सबसे पहले अपने सद्गुरुदेव महाराज जी की वंदना के साथ शुरुआत करते हैं। गुरु की कृपा से ही कोई बात समझ में आती है, इसलिए गुरु महाराज जी के बिना कैसा ब्रह्म मुहूर्त। जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का असली अर्थ समझाया, मेरे परमहंस गुरु महाराज, आज एक बार पुनः इनके श्री चरणों में वंदन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए, अपने हृदय को उनके पावन चरण कमलों से जोड़ते हुए, आइए वंदना करें अपने प्रभु के सुंदर कोमल चरणों में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपने परमहंस सतगुरु जी को अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में याद करते हुए और उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए, मानो ये आत्मा अपने सर्वोच्च उत्थान को पा जाती है। गुरु महाराज जी का स्मरण, जिनके सिमरण मात्र ते नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बड़े प्रेम पूर्वक याद किया करें अपने सदगुरु को, सारे सारी मुक्ति का द्वार केवल सदगुरु के पास है। गुरु महाराज जी के सुंदर कोमल चरणों में वंदना, प्रेम भरी वंदना। आइए, जिन लोगों के लिए, जिनको ऑडियो में कोई भी दिक्कत है, तो यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब का लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है। यूट्यूब का लिंक यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है। आपको जो भी, किसी को भी दिक्कत हो, तो ये लास्ट में लिंक दिया गया है, आप यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको कोई भी परेशानी हो तो वो यूट्यूब से कनेक्ट करें। आइए अपने गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए और सबसे पावरफुल मंत्र ओम श्री परमहंसाय नमः का जाप भी करेंगे, अपनी संपूर्ण नेगेटिविटी भी दूर करेंगे और गुरु महाराज जी के चरणों में अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति भी पैदा करेंगे। एक बार पूरे हृदय से ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, सदगुरु के चरणों में बार बार अपना ध्यान कनेक्ट करें। गुरु महाराज जी सारे ध्यान साधनों से ऊपर हैं, ये याद रखना है। सतगुरु के सिमरण मात्र से, जिनके एक घड़ी सिमरण मात्र से समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं, ऐसे गुरु का ध्यान नित्य नित्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। ये जो मस्तक है, ये उन्हीं का स्थान है, उन्हीं के लिए बना है। अतः मस्तक पर सदगुरु का सुंदर ध्यान और पूरे शरीर में उनकी प्रेजेंस फील करना, उनकी प्रेजेंस फील करना कि मेरा अस्तित्व उनसे कनेक्टेड है, बस असल में मेरे अस्तित्व में वही समाए हैं, वही समाए हैं।
ऐसा मानते हुए कि मेरे रोम रोम में गुरु महाराज मौजूद हैं और उनका मंत्र, उनका जो नाम है, उनका ये पवित्र शब्द है, ये मेरे अंतर मन में गूंज रहा है। ऐसे प्रभु का ध्यान अपने अंतर में करते हुए ओम श्री परमहंसाय नमः, हाथ जोड़कर बैठ जाएं, सीधे बैठेंगे, अपने सद्गुरु का ध्यान करें। अगर आपकी श्रद्धा कहीं और है तो जहां भी आपकी श्रद्धा है अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करें। वास्तव में सबका लक्ष्य एक ही है, गुरु तत्व के प्रति जागृति। हमारा भी लक्ष्य वही है, सबको अपने गुरु के प्रति जागृत करवाना। जिनके सिमरन मात्र ते नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तो ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आंखें बंद करके एक बार बैठे, कमर सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। ये ज्ञान मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा दोनों हाथों के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को आपस में जोड़ लें और साथ में मस्तक पर अपने सद्गुरु का पवित्र ध्यान यहाँ पर विराजमान करें और प्रार्थना के साथ, हे गुरुदेव आप मेरे हृदय मंदिर में आकर विराजमान हो जाएं, गुरुदेव मेरे हृदय मंदिर में आकर विराजमान हो जाएं और 1 घंटा कॉन्स्टेंटली मैं आपकी याद में लगा सकूं। इस प्रार्थना के साथ प्रभु दया करना, प्रभु दया करना, आपका सुंदर ध्यान मेरे मस्तक पर अंकित हो सके, आपकी पवित्र याद मेरे मस्तक पर अंकित हो सके। मैं अपने सद्गुरु को याद करते हुए प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव आइए, गुरुदेव कृपा कीजिए, मेरे मस्तक पर आकर विराजमान हो जाइए। हे मेरे परम हितैषी, परम प्यारे सद्गुरु, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे मस्तक पर आकर विराजमान हो जाइए प्रभु, मेरे मस्तक पर आकर विराजमान हो जाइए प्रभु, मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए प्रभु। गुरु के मुखड़े में सारे सदग्रंथों का सार है। इस मूरत का ध्यान कभी भी आ गया, कभी भी किसी भी रूप में आ गया, यमराज भी गुरु महाराज जी के आगे, सद्गुरु के आगे नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अपने आप को अपने सद्गुरु को समर्पित करे रखो, कभी काल के हवाले नहीं होंगे। काल और दयाल में बस इतना सा फर्क है, अगर हमारा मन दयाल से जुड़ा हुआ है तो काल से हमेशा बचे रहेंगे, और अगर सद्गुरु से चूके तो काल की तो बाई डिफॉल्ट हम पकड़ लेगा ही लेगा। उसकी अपनी हरकतें, उसकी अपनी पावर बहुत है। इसलिए अपने गुरु का ध्यान, अपने इष्ट गुरु भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा करते हुए ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान करें मस्तक में और फील करें कि सतगुरु बड़े प्यार से आपके संपूर्ण अस्तित्व में समा रहे हैं। जो भीतर का शून्य है, जो भीतर का शून्य है, उस पर ध्यान देते हुए एक बार बिल्कुल स्थिर, कमर सीधी, जीभ जो है खिचड़ी मुद्रा में अपर पैलेट पे लग जाएगी तो बिल्कुल मन शांत होने में तुरंत मदद मिलेगी। कमर को बिल्कुल सीधा रखने का कोई भी उपाय करें, कोई सपोर्ट बैक बैक, बैक में रख रख सकते हैं जिससे आप एकदम सीधे बैठ पाए। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। जिन लोगों को कोई भी यहाँ पर परेशानी है, YouTube का लिंक नीचे डाल दिया गया है। Zoom पर कोई भी दिक्कत हो तो आप YouTube पर मूव कर सकते हैं। कुछ लोग कर ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मूव कर जाएं कुछ लोग, मूव इजी रहेगा। यहाँ से कोई भी परेशानी है तो वहाँ आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट है, वहां पर बिल्कुल क्लियर कट है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। मेरे रोम रोम में जो भी आपका नाम श्रद्धा हो, जो आपके अपने जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो, उसे अंदर गुंजाएं, उसे अंदर गुंजाएं। मैं ओम से शुरुआत करूंगा और ओम श्री परमहंसाय नमः भी हमारे भीतर गूंजेगा। ओम जो आपकी जहां आपकी श्रद्धा हो तो बड़े प्यार से ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। जिनको श्वास से करना है वो श्वास वाला भी जाप कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो करने वाले हैं वो श्वास का ना करके हम गुंजाएंगे उसको, अपने अंतर में गुंजाएंगे, अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स को पवित्र करेंगे उस नाम की प्रेजेंस के द्वारा। पहले तो इस माहौल को पवित्र करें, अपने घर को पवित्र करें,
ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। जहां जहां भी आप इस नाम की कल्पना करेंगे वहां वहां दिव्यता, वहां वहां डिविनिटी फैल रही है। फील करेंगे बड़े प्यार से, ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। पूरे अस्तित्व के अंदर गूंजता हुआ फील करें, अपने घर के प्रत्येक कोने में, घर के प्रत्येक कोने में, ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। संपूर्ण अस्तित्व के अंदर गुंजा देंगे आज, संपूर्ण अस्तित्व के अंदर गुंजा दें। मैं जब परमहंसों को नमन कर रहा हूँ, संपूर्ण सृष्टि के सभी गुरु तत्व को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, और जिन्होंने ऑरा लॉक नहीं किया एक बार ऑरा लॉक कर लें, क्राउन से लेकर रूट चक्र तक एक लाइन, लेफ्ट टू राइट शोल्डर एक लाइन, चारों तरफ एक हम पावरफुल प्रोटेक्शन में हैं। हर तरह से सुरक्षा चाहिए, हर तरह से सुरक्षा चाहिए एकदम अच्छे से, और एकदम पूरी जोश में, पूरी ऊर्जा के साथ ओम श्री परमहंसाय नमः, पूरी सृष्टि के कण कण में गूंजता हुआ पवित्र नाम, सदगुरु का, परमात्मा का पवित्र नाम, ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। गूंज जाने दे अपने अस्तित्व के अंदर, मानो पूरे घर में गूंज रहा है नाम, और पूरे घर में नहीं, पूरी अर्थ के कण कण में ये नाम गूंज रहा है। पहले अपने घर को पवित्र करेंगे और फिर उसके बाद सारी दुनिया अपने आप पवित्र होगी। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं और फील करें कि गुरुदेव की पवित्र ऊर्जा के अंदर हमारे सदगुरु हमारे भीतर समाहित हैं। जहां भी आपकी श्रद्धा हो उनका अनुभव करें और उन्हें इनवाइट करें कि मानो पूरा आपका अस्तित्व अपने भीतर, अपने भीतर जो हमारा अस्तित्व, हमारा जो होना है उसी में प्रभु समाहित हो गए हैं, उसी में वो समाहित हो गए हैं। जो अस्तित्व है वही परमात्म स्वरूप हो गया है, वही परमात्म स्वरूप हो गया। तो अपनी ऊर्जा को जगाना। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। पूरे सभी पूरे अस्तित्व के अंदर गुंजा दें एक बार। सबसे पहले अपने क्राउन चक्र और खोपड़ी के पूरे हिस्से में जा, मानो एक गुंबद है ये गुंबद, इस गुंबद में ये गूंज जाने चाहिए। तो पूरा ध्यान खोपड़ी के भीतर, सिर के भीतर, सिर के भीतर, सिर के भीतर, सिर पूरी तरह से एक गुंबद की तरह से, और पूरे रिस्पेक्टफुली, क्योंकि इस सिर के भीतर परमात्मा मौजूद है। तो ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। जो लोग हाथ लगा सकते हैं अपने सिर पर, अपने सिर पर हाथ लगाते हुए मानो आप अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं। चारों तरफ से गूंजता हुआ अंदर, ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः,
ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आप अपने भीतर जब उतरे तो परत दर परत अंदर ही उतरते जाए जा रहे हैं, परत दर परत अपने भीतर उतर रहे हैं। एक एक कोने में, यहां से अवचेतन मन की शुरुआत है तो अवचेतन मन के एक एक कोने में गूंज पाएगी ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। अस्तित्व के अंदर पूरा गूंज जाने दें इसे नाम को, नाम को गूंज जाने दें। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। अब अपनी शून्यता को एक बार याद करेंगे पूरी तरह से, शून्यता के भीतर, शून्यता के भीतर उतरते हुए थोड़ी देर के लिए एकदम शून्य हो जाएं, नाम का जाप बंद करते हुए। पूरा शून्य, पूरा शून्य, पूरा शून्य, एकदम एक खाली बांस की पोंगरी है, मान लो पूरा शरीर जो है एक बांसुरी है, पूरा शरीर एकदम खाली है भीतर से, पूरा शरीर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य। शून्य का ध्यान बीच में करें, पोपड़ी बिल्कुल खाली हो गई, इसमें हमने नाम गुंजा दिया और भीतर एक परम शून्यता है, परम शून्यता है। शून्य में टिकने का प्रयास करें, प्रत्येक जाप का अर्थ अंत में शून्यता है, कि शून्यता के साथ हम प्रेम कर पाए, शून्यता के साथ हम प्रेम कर पाए। ये म्यूजिक भी बंद किया जाता है थोड़े समय के लिए। मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। शून्य हूँ, शून्य हूँ, शून्य हूँ, शून्य हूँ, शून्य हूँ। एक बार पुनः फुल फोर्स के साथ अपने आप को पूरा अच्छे से शून्यता में डुबो लें। शून्य हूँ, शून्य हूँ, शून्य हूँ। पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक अनुभव करें, परम शून्यता, परम शून्यता, परम शून्यता, बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य, शून्य है ये, शून्य है ये, शून्य है, बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य है। अपने प्रति प्रेम का इजहार, स्वयं के प्रति, मैं एक प्रेममयी आत्मा हूं, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूं। मनी मन रिपीट करें इसे, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं एक प्रेममयी आत्मा हूं, मैं एक प्रेममयी आत्मा हूं, मैं शून्य 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 हूं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता था, इसका जवाब दिया जा रहा है कि जब ध्यान में गहरे उतरें तो शून्यता बेहतर है या नाम का जाप बेहतर है। दोनों का अपना आनंद है। नाम के जाप से हम भक्ति में डुबकी लगाते हैं, ऊर्जा पाते हैं,
और शून्यता से हम उसमें टिकाव पाते हैं, स्थिरता पाते हैं। दोनों ही जरूरी हैं, अपनी अपनी जगह, दोनों की अपना महत्व है। बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, ओम श्री परमहंसाय नमः। अभी शून्यता में पुनः परमात्मा के, सद्गुरु के नाम की पवित्र ऊर्जा को गूंज जाने दें। शरीर शून्य हो गया, पूरा शरीर बिल्कुल एक बांस की पोंगरी जैसा खाली है, भीतर से पूरा शरीर बिल्कुल खाली है और यूनिवर्सल ऊर्जा बरस रही है। ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा, पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो है, मानो एक एक भंवर, एक वर्लपूल जिसे कहते हैं ना, एक विराट ऊर्जा का घूमता हुआ पूरा चक्र पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। समस्त गुरुजन वहां पर आशीर्वाद दे रहे हैं, ओम श्री परमहंसाय नमः। जहां भी आपकी श्रद्धा हो, अपने अपने गुरु महाराज को याद करें, अपने अपने सदगुरु को याद करें। समस्त गुरु तत्व क्राउन चक्र पर आपको आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, और वो आशीर्वाद एक ऊर्जा के रूप में क्राउन से आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरे शरीर को आप भीतर से शून्य देख रहे हैं, खाली देख रहे हैं, बिल्कुल एम्प्टी, पूरा शरीर बिल्कुल एम्प्टी, पूरा शरीर बिल्कुल एम्प्टी। ऊपर से कुछ डाला जा रहा है, एक विराट ऊर्जा का फ्लो क्राउन से भीतर की ओर डाला जा रहा है, और ये जो फ्लो है ये आपके सारे चक्रों को क्रॉस करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल अंदर आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, और ऊर्जा का एक विराट फ्लो ऊपर से डाला जा रहा है। समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद, मेरे परमहंस सतगुरु जी का आशीर्वाद और समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद इसमें समाहित है। समस्त दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद इसमें समाहित है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद, आज मैं सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मांगता हूँ। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, उन सबकी दिव्य ऊर्जा, भगवान आदि शंकराचार्य, रमण महर्षि, श्री परमहंस योगानंद जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री स्वामी समर्थ जी, शिर्डी के साईं बाबा जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी, श्री महावतार बाबा जी, श्री लाहड़ी महाशय जी, संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, सबकी दिव्यता उस समाहित है। सब आशीर्वाद दे रहे हैं बड़े प्यार से, ओम ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। सब आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके आशीर्वाद का परिणाम ये है कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो डार्कनेस है, वो फ्लो करती हुई नीचे से, वो पूरे शरीर से फ्लो करती हुई, वो नीचे से हमारी ऊर्जा जो है, नीचे से अर्थिंग हो रही है, हमारी हमारी अर्थिंग हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड का जो आखिरी हिस्सा है वो अर्थ से कनेक्टेड है, और वहां से पूरी अर्थिंग हो रही है। मदर अर्थ उस सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर रही है, ओवरकम कर रही है, वो सब रिमूव हो रही है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। पूरा शरीर एक बांस की पोंगरी है, एकदम खाली बांस की पोंगरी, और विराट ऊर्जा उसके भीतर समाहित होती जा रही है, विराट ऊर्जा उसमें समाहित होती जा रही है। धन्यवाद करते हुए ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। समस्त सदगुरुओं को नमस्कार है। गुरु महाराज किस अपने प्रभु प्रभु को हम याद कर रहे हैं और सभी का आशीर्वाद पा रहे हैं। सारी दिव्य शक्तियां आज आशीर्वाद देने आए हैं,
सभी को कोटि कोटि शुक्राना है, वंदन है। सभी दिव्य आत्माओं को आज नमस्कार है, नमस्कार है। एक बार पुनः याद करते हैं, अपने भीतर शून्यता को देखें। इन सबके आशीर्वाद का परिणाम क्या होगा? भीतर की शून्यता, परिपूर्ण शून्यता, परिपूर्ण शून्यता। एकदम बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर आप देख रहे हैं। कुछ जाप थोड़ी देर के लिए रोक के और भीतर की शून्यता को निहारना शुरू कर दें, एक विटनेस की तरह। जहां आप खाली हुए, यूनिवर्सल ऊर्जा आप पर बरसी। प्रेम पूर्वक, हम कर्ता नहीं है, हम हैं कौन करने वाले? इतनी विराट ऊर्जा बरस रही है, इतनी विराट ऊर्जा बरस रही है कि अंदर जो भी हमारे डार्कनेस थी, अंदर जो भी हमारे अंदर ईगो था, हमारा अंदर जो क्रोध था, जो लोभ था, जो अहंकार था, अपने होने का जो भाव था, वो विलीन होता जा रहा है, वो विलीन होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक विराट ऊर्जा हमारे इस अस्तित्व को समाहित कर रही है अपने भीतर। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। वो दिव्यता पूरे शरीर को ऑक्युपाई किए हुए है, पूरे शरीर को ऑक्युपाई किए हुए है। कुछ लोग यूट्यूब पर मूव कर सकते हैं तो मूव कर सकते हैं, जिनको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है वो यूट्यूब पे मूव कर सकते हैं, यूट्यूब पे मूव कर सकते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। अब एक बार पुनः उस जोश को, उस पावर को, उस ऊर्जा को इनवाइट करें। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आज पूरी क्लीनिंग करनी है अपने ओरा की भी, अंदर से भी और बाहर से भी। तो फील करें एक विराट ऊर्जा ऊपर से उतर रही है, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए फील करें कि उस विराट ऊर्जा को आप स्वीकार कर रहे हैं अपने हाथों में। स्वीकार, जिन्होंने रेकी की हुई है वो एक बार हाथों को रब भी कर लें। आज अपने पूरे ऑरा को, पूरा अंदर से बाहर से और अपने घर को पूरा क्लीनिंग करेंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। रेकी के लिए विशेष रूप से याद रखा करें, रेकी की जो दिव्य ऊर्जा है वो माँ भगवती की ऊर्जा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। वो दिव्य ऊर्जा जो कण कण में शक्ति के रूप में स्थित है, वही दिव्य ऊर्जा मेरे हाथों में अवतरित हो रही है। जिन्होंने रेकी नहीं भी सीखी हुई, वो भी अगर ऐसा जाप करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपके पास ये दिव्य ऊर्जा का फ्लो अपने आप बनने लगता है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आपका भी फील हो जाएगा, हाथों को ऐसे ऊपर करेंगे ना बड़े प्यार से। एक बार अब कर लें अच्छे से, लगभग 21 बार अब करके। जिन्होंने नहीं भी सीखा हुआ, बड़े प्यार से एक बार बस ऐसे ही दोनों हाथों को। आज दिव्य ऊर्जा बरस रही है ऊपर से। जब हम बोलते हैं कि आज नेगेटिविटी ज्यादा है, तब भी वो भी कुछ होता है। आज ऊर्जा बरस रही है तो आज ये भी बहुत पवित्र ऊर्जा, जितनी समेट सकते हैं आज अपनी सारी क्लींजिंग करेंगे आज। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। सभी महान हस्तियां, सभी दिव्य ऊर्जाएं आज हाथ में आशीर्वाद दे रही हैं। आपके हाथों में एक महान ऊर्जा का फ्लो फील करेंगे, सेंसेशन होने लगेगी हाथों पे। थोड़ी देर के लिए हाथों को इसी रखेंगे लिए, बस 1 मिनट के लिए फील करें कि हाथों के अंदर एक विराट ऊर्जा का वर्लपूल बन रहा है, एक चक्र जैसा घूम रहा है हाथ के भीतर। फील करें ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः,
ओम श्री परमहंसाय नमः। हाथों को जैसे नीचे प्रेस किया जा रहा है, सभी महान विभूतियां ऐसे दिव्यता से आशीर्वाद दे रही हैं और हाथों को प्रेस किया जा रहा है। एक विराट ऊर्जा का फ्लो आज दिया जा रहा है। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, सभी महान संतों का आशीर्वाद आज समाहित है। ओम श्री परमहंसाय नमः। अब इस ऊर्जा से एक बार अच्छे से अब रब करके अब आप शरीर के सभी अंगों को ऊर्जावान करते जाएंगे, सभी अंगों को ऊर्जावान करते जाएंगे। मैंने सबसे पहले क्राउन को बोला, क्राउन पर जैसे यहां से ऊर्जा का भंडार भीतर समाहित हो रहा है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। मानो आप खुद को ये आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद, आशीष, आशीर्वाद, आशीर्वाद, उस दिव्यता से भरा हुआ आशीर्वाद जो आपके संपूर्ण ब्लॉकेजेस को दूर कर दे, क्राउन की सारी ब्लॉकेजेस दूर हो जाएं, जीवन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, जीवन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। साथ में अफर्मेशन भी दोहराएं, मेरा जीवन लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव सदैव मुझे गाइड करते हैं, सदैव मुझे गाइड करते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। मेरा क्राउन चक्र खुला है, मेरे अंदर उत्साह है, मेरे अंदर जोश है, जीवन की एक सच्ची उमंग है मेरे भीतर। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। ये आशीर्वाद क्राउन से होता हुआ सभी संतों का आशीर्वाद समाहित हो गया इसके अंदर, और ये आपके क्राउन से होता हुआ अब पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ये दिव्यता भरपूर होगी। एक बार अच्छे से अब अपना जो ध्यान, एक बार हाथों को ऐसे रब करके सभी दिव्य ऊर्जा को फील कर पाएंगे। चाहे आपको रेकी आती है या नहीं आती, आप फील करिए इस समय जो ऊर्जा मिल रही है, ये आज विशेष है, आज विशेष है। विराट ऊर्जा का भंडार जो हाथों में उतरा है, अब इसको अपने हाथ सिर के माथे के आगे और पीछे ऐसे करके लगाएंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। इस ऊर्जा को भीतर आता हुआ फील करें। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। एक विराट ऊर्जा ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो कर रही है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। हाथों को अब जरा कानों कनपट्टी के ऊपर वाले हिस्से में करेंगे, हाथों को कनपट्टी के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंस, कानों के ऊपर भी इस वाले एरिया में ऐसे करेंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। फील करेंगे कि हाथों से एक ऊर्जा जो है वो उस जा रही है, कानों के भीतर, पूरे शरीर के भीतर जा रही है, पूरे सिर के भीतर जा रही है। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या, जैसे तनाव रहने की समस्या थी, डिप्रेशन था, नेगेटिव थॉट्स थे, वो सारे क्लीन हो रहे हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। समस्त गुरु तत्व के द्वारा एनर्जाइज्ड हैं ये हाथ, समस्त गुरु तत्व का आशीर्वाद है। कभी भी लगे कि ऊर्जा कुछ कम हो रही है, पुनः एक बार अच्छे से ऐसे रब कर लें। सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद इसमें समाहित है, सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद इसमें समाहित है। और पुनः जिस शरीर के सभी पार्ट्स में ऐसे लगाते जाएंगे, जैसे अभी हमने क्राउन पे लगाया, माथे पे लगाया, फिर साइडों पे इसको पूरा क्लीन किया, अब थोड़ा और क्लीन करते जाएंगे। किसी को गर्दन पे कोई समस्या है तो इसी प्रकार से गर्दन वाले पूरे एरिया के अंदर ऐसे करके इसे लगाएंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः,
ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। ये सिर, ये गर्दन जो है ये झुकना सीखे। आप करते रहिए, साथ में रुकेंगे ही नहीं। ये गर्दन झुकना सीखती है, ये गर्दन झुकना सीखती है। जहां जरूरत पड़े मुझे झुकना भी आता है, अपने आप से कहेंगे, जहां जरूरत पड़े मुझे झुकना भी आता है। मैं सभी मेरी पूरी गर्दन में ऊर्जा का फ्लो बढ़ रहा है, ऊर्जा का फ्लो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। जिन लोगों को सर्वाइवल इत्यादि की दिक्कत है या होने की संभावना है, ये उनकी क्लीनिंग करने के लिए है। बिल्कुल अच्छे से। कुछ लोगों के सिर के पिछले हिस्से में भी पेन रहता है यहाँ पर, तो एक बार हाथों को रब करके सिर्फ पिछले हिस्से में ही लगाएंगे, सिर के पिछले हिस्से में यहाँ लगाएंगे। ऐसे हाथों को क्रॉस नहीं करना, ऐसे नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे थोड़ा आगे पीछे करके ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, बस हाथों को ऐसे रखेंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। बड़े प्यार से फील कर पा रहे हैं आप ऊर्जा का एक जबरदस्त फ्लो। यहाँ पर एक सोम चक्र होता है, सिर के पिछले हिस्से में सोम चक्र होता है। ये सोम चक्र के द्वारा हमारा कनेक्शन होता है हायर लोगों के साथ, अन्य ऊंचे लोगों के साथ कनेक्शन होता है। आप फील कर पाएंगे, विशेष रूप से उस जगह पर हाथ रखें, विशेष रूप से एक बार हाथ को रख दिया उस जगह पर, इस जगह पर जो सिर के चोटी वाला ये हिस्सा था उसके थोड़ा पीछे, ठीक पीछे, माथे के ठीक पीछे, जहाँ माथा है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में, वहां पर हाथ रखेंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आज सभी एंजल्स उतरे हैं आज आपकी हीलिंग करने के लिए, आपकी जो तकलीफें थी उसे दूर कर रहे हैं। मैंने सभी को इनवाइट किया, सभी दिव्य शक्तियां आपको हील कर रही हैं। बाद में भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो भी उसको ये हीलिंग महसूस होगी। एक जबरदस्त ऊर्जा जो है उतरी है आज। नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव का भी दिन होता है, तो आज वो रहमत उतरी है, ब्लेसिंग उतरी है। एक बार बड़े प्यार से सभी दिव्य शक्तियों को मैं एक बार याद करते हुए उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। श्री स्वामी विवेकानंद जी की महान ऊर्जा आज ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं, श्री स्वामी विवेकानंद जी, श्री भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद जी, उनकी विराट ऊर्जा का भंडार भीतर उतरा है। फील करेंगे श्री महावतार बाबा जी, श्री महावतार बाबा जी, उनके सम्मान में एक बार पुनः नमन करते हैं। वो आज भी जीवित संत हैं, इस धरती को आज भी ऊर्जा दे रहे हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। मैं कितना कितना सम्मान दूं, कितना प्यार दूं, क्योंकि उन्होंने धरती के अनेक 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 सामान्य लोगों को ऋषि तत्व में कन्वर्ट किया है। आज के समय में भी वो पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे परमहंस गुरु महाराज जी की कृपा से आज उनका भी सौभाग्य मिल रहा है, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होने का। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। नमन करें इन महान आत्माओं को,
ये पूरी पृथ्वी के संचालक हैं, ऐसी दिव्य आत्माएं, इनकी एक आशीर्वाद की, इनकी एक झलक मात्र भी हमारी आत्मा का कल्याण कर सकती है। पुनः याद करता हूं मैं अपने परम हितैषी परम प्यारे सदगुरु को, जिनकी एक झलक मात्र से आत्मा का कल्याण हो। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। सदगुरु के चरणों को बार बार सजदा, बार बार सजदा उनके चरणों में। गुरु महाराज आपकी जय हो, जय हो। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। हाथों को एक बार रब कर लें, फिर से रब करके आज, अब ये जो ऊर्जा दी जा रही है, अब ये ऊर्जा आपने भी यहाँ पर ऊर्जा दी चेस्ट वाले एरिया में, किसी के कंधों या इस जगह पर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप अपने कंधों पे ऐसे ऊर्जा दे सकते हैं थोड़ा पीछे करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की एनर्जी स्टक होती है, यहाँ पर बहुत लोगों की एनर्जी स्टक होती है। थोड़ा सा नीचे करके ऐसे करके अपने हाथों को पीछे जहाँ तक ले जा सकते हैं कंफर्टेबली। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। आप चाहे ऐसे क्लीनिंग भी कर सकते हैं, जब पूरी क्लीनिंग हो रही है पीठ की, पूरी क्लीनिंग। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। जिनको पीठ पे दर्द रहा करता है, ऊपरी हिस्से में विशेष रूप से कंधों पे पीठ पे दर्द रहता है, उनकी पूरी क्लीनिंग हो रही है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। सारी डार्कनेस वहां से रिमूव हो रही है, उसे ऐसे झिड़क भी सकते हैं हम। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। सभी संतों की जय जयकार की जा रही है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। पूरा अच्छे से क्लीनिंग करता हुआ देखें इस बात को, सारा क्लीनिंग हो रही है पीठ वाले हिस्से के। अब जिनको आगे बढ़ना है, हाथों को ऐसे रब करेंगे और अब ये एनर्जी अपने हृदय को देंगे, अपने हृदय को। ये सबसे ज्यादा वीक पार्ट होता है, मतलब जहाँ एनर्जी की शॉर्टेज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप इमोशंस में ज्यादा जीते हैं, तो यहाँ पर आपको एनर्जी देना है ऐसे। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। एनर्जी दें खुद को अच्छे से, पूरा भरपूर करें ऊर्जा से। ओम श्री परमहंसाय नमः। मेरे इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, मेरे इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, मेरे इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, मेरी ऊर्जा संतुलित हो रही है, मेरे इमोशंस पूरी तरह बैलेंस हैं, पूरी तरह बैलेंस हैं, पूरी तरह बैलेंस हैं। यहाँ पर कुछ देर के लिए अच्छे से ऊर्जा दें इसके लिए, विशेष रूप से क्योंकि नेगेटिविटी ना ज़्यादा होती है लोगों को यहाँ पर। एक बार अच्छे से इसको क्लीन करेंगे अपने हार्ट वाले एरिया को पूरा क्लीन करते हुए। सभी से मेरा निवेदन है कुछ देर के लिए यहाँ पर शिव ओम की चैंटिंग मैंडेटरी है, काइंड ऑफ यू नो, इसको यहाँ से नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो ओम श्री परमहंसाय नमः, यहाँ पर हम शिव ओम की चैंटिंग करेंगे। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। थोड़ा हाथों को कंधों को ऊपर करते हुए, शिवो पर ऊपर और हम पर नीचे। शिवो हम, 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 शिवो हम। आप बोले नहीं, लेकिन इनहेल के साथ श्वास ऊपर, इनहेल के साथ ऐसे ऊपर और फिर हम। शिवो हम, शिवो हम, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल,
इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। मेरे सारे इमोशंस क्लियर हो रहे हैं, मेरे सारे इमोशंस क्लियर हो रहे हैं, मेरे गुरु महाराज मेरे भीतर समाहित हो रहे हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। इनहेल एक्सहेल करते जाएं, थोड़ा सा क्लीन कर देंगे अच्छे, थोड़ा स्पीड से। शिवोहम 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 शिवोहम। पूरी क्लीनिंग हो रही है ऊपर से, पूरी क्लीनिंग अच्छे से। इमोशंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कोई गुस्सा, कोई दुख, कोई पीड़ा किसी के प्रति कुछ भी रही हो, उसे क्लीन होते हुए ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। समस्त नेगेटिविटी को निकाल कर डालते जाएंगे, क्लीन करते जाएंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। हार्ट के ऊपर आज सारी दिव्य शक्तियां आशीर्वाद दे रही हैं, इसलिए आज क्लीनिंग हो जाएगी अंदर तक। अच्छे से फील करें कुछ भी ऐसा, मतलब किसी के प्रति कोई बैड इमोशंस, कोई दबे हुए इमोशंस आज क्लीन कर दें। कोई दबे हुए इमोशंस, कुछ कहना था कह नहीं पाए, अंदर ही दबा रह गया, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए वाली जो कहानी है ना, वो बिल्कुल हटा दें। बिल्कुल कोई अरमान अरमान शरमान कुछ नहीं, सब क्लीन हो रहा है। सारे डार्क इमोशंस को ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। यहाँ पर गुरुदेव ने फरमाया था कि आप चाहें तो ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा कह सकते हैं। तो सारी नेगेटिव ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, स्वाहा मतलब अग्नि में भस्मीभूत कर दिया। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। हार्ट को विशेष रूप से एज ए ऑर्गन भी हील करना है, हार्ट को, दिल को विशेष रूप से एज ए ऑर्गन, एज ए ऑर्गन। एक तो हमने इमोशंस पे काम किया, अब हार्ट को एज ए ऑर्गन विशेष रूप से थोड़ा सा ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, क्योंकि हार्ट चक्र बहुत, हार्ट बहुत वीक हो जाता है ज्यादा। इसको अपने हिसाब से हाथों को ऊपर और नीचे क्रॉस ना करें, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर और नीचे करके हार्ट को, एक हाथ हार्ट के निचले हिस्से पे जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत वीक होता है, बहुत ज्यादा, और इसके नीचे स्प्लीन भी होती है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। मेरा हार्ट बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर रहा है, मेरा हार्ट बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर रहा है, एकदम पावरफुल है। मेरे सारे हार्ट के पैरामीटर्स ठीक हैं, मेरे सारे हार्ट के पैरामीटर्स ठीक हैं। हार्ट बीट के साथ साथ ना कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये और वो जो भी होता है वो सब आपको पता है, ट्राइग्लिसराइड और फलाना सब कुछ जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। ये यूनिवर्सल ऊर्जा को हमने रीडायरेक्ट किया पूरा हार्ट की तरफ आने के लिए। जिसको भी अभी कमी लगती है ना, उसको इसी प्रकार से यूनिवर्सल ऊर्जा को फिर से कॉल करें, यूनिवर्सल ऊर्जा को फिर से कॉल करें। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। हार्ट के ऊपर फिर से ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। क्लीन होता हुआ देखें हार्ट के अंदर तक जाके, बिल्कुल डीप मोस्ट लेवल तक सारी क्लीनिंग हो रही है, सारी क्लीनिंग हो रही है। किसी
किसी भी तरह की अगर कोई भी पैरामीटर में कोई भी फिजिकली कोई चीज थी वो ठीक हो रही है, और साथ ही साथ हमारे मेंटल लेवल पर भी कोई चीजें थी तो वो भी ठीक हो रही हैं। कोई इमोशनल ब्लॉकेज थी, कोई दुख थी, कुछ पीड़ाएं थी, आज उन सारी नेगेटिविटी को निकाल कर हमने भस्म कर दिया, उस सारी नेगेटिविटी को निकाल कर बिल्कुल भस्म कर दिया। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। नीचे आते हैं एक बार, फिर दोनों हाथों को ऐसे रब कर लें, विशेष रूप से थोड़ा लिवर वाला जो सेंटर पार्ट है लिवर, और उससे थोड़ा नीचे जो जहाँ गॉल ब्लैडर है इसको भी एक बार अच्छे से थोड़ा नीचे करके यहाँ पर ऊर्जा देंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। यहाँ पर आमाशय, हमारा गॉल ब्लैडर, लिवर पूरी ऊर्जा से, और साथ में ऊपर फेफड़े, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। मेरा सारा भय समाप्त हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लिवर जो है वो भय से कनेक्टेड है। बहुत डरेंगे ना तो लिवर का फंक्शनिंग कम होने लगती है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। एक बार फेफड़ों की भी क्लींजिंग ऊपर से विशेष रूप से मैंने नहीं किया, विशेष रूप से फेफड़ों के अंदर जो भी नकारात्मकता अटकी है तो उसको भी एक बार अच्छे से, क्योंकि हवा बड़ी पोल्यूटेड है, तो एक बार पूरा विशेष रूप से अपने फेफड़ों को ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। पूरे फेफड़े एकदम क्लीन हो रहे हैं, एकदम क्लीन हो रहे हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। कोई भी डार्क, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या कोई ऐसी हवा वहां पर अटकी है तो वो क्लीन हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए। इमोशन तो क्लियर हुए हुए, अब उनका फिजिकल पार्ट भी क्लीन हो जाए, फिजिकल पार्ट भी क्लीन हो जाए। मेरा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे फेफड़े बिल्कुल अच्छे से ब्रीद कर पा रहे हैं, मेरे फेफड़े बिल्कुल ओपन है। फेफड़ों के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं जिससे श्वास चलती है, तो बहुत अच्छे से एक बार अच्छे से वो सारा क्लींजिंग हो जाए। अब नीचे आते हैं, ये सारा पार्ट हमने क्लीन कर दिया, अब थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा मणिपुर चक्र की ऊपर जो ऊर्जा है, यहाँ जो भंडार है ऊर्जा का, नाभि से 2 इंच ऊपर, ठीक मेजरमेंट करके नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर ऐसे माप करके उस जगह पर ऊर्जा देनी है। देखो ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। नाभि के ऊपर भी और नाभि से 2 इंच ऊपर भी, नाभि से 2 इंच ऊपर ऊपर और नाभि के ऊपर भी, ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। पूरा शरीर एकदम स्वस्थ होता चला जाएगा, पूरा अंदर बाहर स्वस्थ हो रहा है। मेरे सदगुरु सबका ख्याल रखते हैं, मेरे परमहंस गुरु महाराज सबका ख्याल रखते हैं, मैं जितनी महिमा गाऊं उतनी कम है, मेरे प्रभु सबकी दया, सब पर दया करते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पूरा खाना पचाने का जो यंत्र है, पूरा परफेक्टली काम कर रहा है, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि चक्र पे हम काम कर रहे हैं, तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बार लिया हुआ डिसीजन बिल्कुल अंदर तक उतर जाता है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री
परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। पूरा क्लीन कर देंगे इसे, पूरा क्लीन होते जो होता हुआ देखें खुद को। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। सारी दिव्य शक्तियां आज आशीर्वाद दिया है, पूरा फील करें एक बार पुनः उस आशीर्वाद के द्वारा पूरे ओरा में, क्योंकि तो यहाँ तक हम क्लीन कर चुके हैं। एक बार अच्छे से फील करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आज कुछ यहाँ ठीक कर सकते हैं। एक हाथ आप पीछे भी लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि रीढ़ की पीठ के पिछले हिस्से में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो एक बार हाथ को ऐसे रब कर लिया, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, ठीक पेट जहाँ का निचला हिस्सा है, नाभि से 2 इंच ऊपर वाला जो पार्ट है, एक हाथ यहाँ और एक हाथ ठीक पीछे। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। समस्त नेगेटिविटी दूर हो रही है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ सुंदर, एकदम शरीर बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर, कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिविटी भी दूर, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, पावरफुल है। मैं अपनी बातों पर स्टैंड लेता हूँ, मैं अपनी बातों पर स्टैंड लेता हूँ, मैं अपने आप से खूब प्रेम करता हूँ, अपनी बातों पर स्टैंड लेता हूँ, मैं अपने आप से खूब प्रेम करता हूँ और अपनी बातों पर स्टैंड लेता हूँ। मैंने जो कह दिया मतलब वो काम हो गया, मैंने जो कह दिया मतलब वो काम हो गया, मैंने जो कह दिया मतलब वो काम हो गया। तो मैं पूरी जिम्मेवारी से अपना काम करता हूँ, मैं पूरी जिम्मेवारी से अपना काम करता हूँ, मैं पूरी जिम्मेवारी से अपना काम करता हूँ, मैं पूरी जिम्मेवारी से अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पर हमने मणिपुर चक्र तक अपना क्लीन किया, इसको पेट वाले हिस्से को क्लीन किया। अगर यहाँ पर किसी को भी कोई पेन, किसी भी टाइप का पेन हो, क्योंकि तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों को बहुत तकलीफ गड़बड़ होती है, ये एरिया बहुत कमजोर होता है, विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें बेटियों का, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा। एक बार पुनः ऐसे हाथों को रब करके लास्ट में जो साइड वाला एरिया, रिब केज के इधर वाला जो एरिया, इधर एक बार पूरी ऊर्जा दे दें। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। पुनः एक बार हाथों को रब करेंगे, पूरी ऊर्जा से भरपूर करेंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। अब नाभि के थोड़ा सा नीचे, नाभि से लगभग 2-3 इंच नीचे स्वाधिष्ठान चक्र के पास ऊर्जा देंगे, और वैसे ही आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं उसी जगह के ऑपोजिट साइड में, बैक साइड में। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः,
ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आपके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा जा रही है और उस पार्ट को पूरा हील कर रही है। आपके हाथों से एक विराट ऊर्जा का फ्लो जा रहा है। आपके हाथ ये सामान्य नहीं है, इस समय आप परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मान लो परमात्मा ही आपकी हीलिंग कर रहे हैं, ऐसा फील करें। पूरी दिव्यता से भरपूर सारी हीलिंग हो रही है, पूरी दिव्यता से भरपूर सारी हीलिंग हो रही है। पीठ के निचले हिस्से में बहुत लोगों को दर्द रहा करता है, उस जगह पर ऊर्जा विशेष रूप से दे। जिनको अगर दर्द है तो दोनों हाथों को ऐसे रब करके पीठ के पिछले हिस्से में भी आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऊर्जा दे सकते हैं। पीठ के सबसे निचले हिस्से पे, एकदम निचले हिस्से पे, वहां पर भी आप ऊर्जा दे दें, क्योंकि ये आपके इसमें जो मानसिक समस्या रहती है, बहुत लोग जो कहते हैं कि मेरी बैक सपोर्ट अच्छा नहीं है, अर्थात उनके पास फिनेंशियल इश्यू है, या उनको ये लगता है कि कोई मुझे सहारा नहीं देता, मेरे माता पिता या मेरे बड़े या मेरे ससुराल वाले या कोई भी मुझे सहारा नहीं देता, उनकी पीठ में दर्द जरूर रहेगा। जो लोग ये कहेंगे कि मैं बेसहारा हूँ, तो ये मत कहिए, कहिए कि मुझे परमात्मा का सहारा है, मुझे अपनी आत्मा का सहारा है, और समस्त दिव्य शक्तियां मुझे सहारा दे रही हैं, मुझे अपनी आत्मा का सहारा है। जब आप ऊर्जा देंगे अपने पीठ के पीछे निचले हिस्से में, आप थोड़ी ही समय में पाएंगे अपने मन का भाव भी चेंज कीजिए कि मेरे पास बहुत सहारा है, मेरे पास बहुत सहारा है, मैं अपने ही सहारे पर खड़ा हूँ, मैं अपने ही सहारे पर खड़ा हूँ, मेरी पूरी स्पाइनल कोर्ड जो है वो परमात्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने सहारे पर खड़ी है। ऊपर पूरा आकाश है, नीचे पृथ्वी माता है, और मेरी आत्मा का सहारा है, बीच में मैं हूँ, मतलब अपनी आत्मा का सहारा है, तो मैं अपने ही सहारे पर हूँ। परमात्मा की सभी दिव्य ऊर्जाएं मेरी सहायता कर रही हैं, परमात्मा की सभी दिव्य ऊर्जाएं मेरी सहायता कर रही हैं, परमात्मा की दिव्य सभी दिव्य ऊर्जाएं मेरी सहायता कर रही हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। साथ में ये भी कहेंगे कि अगर किसी को भी सहारा देने की जरूरत है तो मैं उसका सहारा बनूंगा, सहारा बनूंगी। किसी को भी सहारे की जरूरत है तो मैं सहारा बनूंगा, मैं सहारा बनूंगी। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, उसे भी सहारा मिल जाएगा, तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा, ऐसा सदा के लिए। लास्ट वन, अब एक बार हाथों को ऐसे रब करेंगे, और अब हम इस बार हमने ऊपर से नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे तक ऊर्जा दी है। आखिरी जो है नाभि से लगभग 4 इंच नीचे अपने रूट चक्र को ऊर्जा देंगे, नाभि से लगभग 4 इंच नीचे रूट चक्र को ऊर्जा देंगे। आप फ्रंट से भी या बैक से भी कैसे भी कर सकते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। मेरा रूट बहुत स्ट्रांग है, मेरा रूट बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मेरी जड़ें बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। सारे ऑर्गन्स को अच्छे से ऊर्जा देने के बाद मन में किसी भी तरह का जेनिटल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो पूरे शरीर को उस जगह पर ऊर्जा दे दें, और मन में स्वीकार करें कि बिल्कुल स्वस्थ है शरीर, बिल्कुल स्वस्थ है, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। ऐसे लेडीज और जेंट्स अपने अपने हिसाब से, अपने आप को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, और किसी भी तरह की कोई गिल्ट फीलिंग ना हो। गिल्ट जब होता है तो आपका सैक्रल चक्र बिगड़ता है, उससे रूट और सैक्रल में गड़बड़ होती है। तो गिल्ट नहीं रखना मन में किसी के प्रति, ऐसा मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया, जो हुआ जैसा हुआ परिस्थितियों के हिसाब से हुआ, बहुत लोगों के मन में होता है, इसलिए क्लीन किया जा रहा है सारी बात को। अब पूरा शरीर अंदर तक हमने क्लीन किया,
और पूरा शरीर को ऊपर, पैरों घुटनों की तरफ भी अगर कुछ बचा है ना, घुटनों की तरफ, तो एक बार हाथों को रब करके अपने घुटनों पर, अपनी एड़ियों पर, अगर पैरों के निचले हिस्से में कहीं दर्द रहता है तो घुटनों पर एक बार हाथों को लगा लें, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, सबके मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक ठाक एकदम और पूरे फ्लेक्सिबल हैं, मेरा शरीर पूरा फ्लेक्सिबल है, मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं, ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। ऐसे टांगों के निचले हिस्से में कहीं पर भी कोई पेन हो तो वहां पर आप ऐसे ऊर्जा दे सकते हैं। ये पूरे शरीर को हमने हीलिंग किया, अब एक बार अपने आसपास की चीजों को भी पवित्र करेंगे, हील करेंगे, बस आखिरी 2 मिनट के लिए पूरा क्लीनिंग करेंगे। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। एक दिव्य ऊर्जा परमात्मा ने जो है सदगुरु ने आज दी है, सारी डिवाइन पावर्स को शुक्रिया अदा करते हुए एक बार सारा अपने जहां पर भी अपना पैसा वगैरह है तो मानसिक रूप से कल्पना कर दो कि जिस बैंक में पैसा पड़ा है वो बेटर है, वो सुरक्षित है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, पैसा एक्सपेंड हो रहा है, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। ये सिंबल होता है एक्सपेंड करने का, तो ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। इसके एक मंत्र होता है ओम व्यापकाय नमः, व्यापक का मतलब होता है फैलना, एक्सपेंड करना। ओम व्यापकाय नमः, 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 ओम व्यापकाय नमः। मेरी धन संपत्ति बढ़ रही है, मेरे अंदर जीवन में खुशियां बढ़ रही हैं, पैसा जो स्टोर था वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बढ़ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो वो बेटर हो रही है। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। अब घर के समस्त लोगों को आशीर्वाद दें, जो आशीर्वाद ऊपर से प्राप्त हुआ है, ओम श्री परमहंसाय नमः। अभी आशीर्वाद सबको रीडायरेक्ट करें अपने घर के आसपास के लोगों को बड़े प्यार से, ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। साथ में मन से दुआ दें, उन्हें ब्लेसिंग दें, उन्हें ब्लेसिंग दें कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपके रुके हुए काम बनने लगे, आपके कोई भी ब्लॉकेज थी तो वो दूर हो जाए। ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। सबको आशीर्वाद प्यार से दिया, अब पूरी जो ऊर्जा है ये पूरी ऊर्जा को डायरेक्शन देकर एक विराट ऊर्जा का पिंड क्रिएट करना है धरती से थोड़ा ऊपर, ये गुरुदेव की आज्ञा से कह रहा हूँ, ऊर्जा का एक गोला क्रिएट करना है। इस ऊर्जा के पूल में से आप कभी भी ऊर्जा निकाल सकते हो, तो सभी अपनी ऊर्जा को एक पिंड में डालेंगे, एक विराट जो श्री परमहंस गुरु महाराज जी ने बनाया है, एक ऊर्जा का पूल बनाया है, एक ऊर्जा का पूल बनाया है। तो गुरुदेव ने जो ऊर्जा का पूल बनाया, हमारी अब ये ऊर्जा उस जगह पर जा रही है और तो वहां से सारे संसार को ये रिडायरेक्ट होती चली जाएगी। जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम जब भी श्री परमहंसाय नमः का जाप करेंगे उस व्यक्ति को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ओम श्री परमहंसाय नमः की ऊर्जा इकट्ठी हो रही है एक पॉइंट पर, ओम श्री परमहंसाय नमः, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः। अभी इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे बैंक में पैसा रखते हैं, बस ऐसे समझो कि पैसा एनर्जी की फॉर्म में हमने वहां सेफ रख दिया। जब जरूरत पड़ेगी ऐसे ही ये पूल हम वापस ले सकेंगे, जब जब हमें कोई नेगेटिविटी आएगी, कोई परेशानी होगी, तो ये ऊर्जा को हम कभी भी परमात्मा के प्रभु के नाम का जाप करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात अब कंप्लीट होती है, फील करें पूरा शरीर रोम रोम जो है वो पवित्र हो गया है,
आनंदित हो गया है। शुक्रिया अदा करते हैं सभी महान हस्तियों का। एक बार पुनः मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु आपका बहुत बहुत हृदय पूर्वक आभार। दोनों हाथ जोड़कर परमहंस जी के चरणों में आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे गुरु महाराज आपका बार बार शुक्रिया। हे गुरुदेव आपका कोटि कोटि शुक्राना। इस अंतर्मन को जागृत करने वाले हे मेरे परमहंस गुरुदेव, रोम रोम आपका शुक्र गुजार है प्रभु। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आपके साथ साथ अनेक महान हस्तियों ने आज आशीर्वाद दिया। सभी दिव्य विभूतियां, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी, रमण महर्षि, श्री परमहंस योगानंद जी, गुरु नानक देव जी महाराज, श्री स्वामी समर्थ जी, शिरडी के साई बाबा, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी, श्री महावतार बाबा जी, श्री संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, संत तुलसीदास जी, सभी को मैं प्यार से नमस्कार करता हूँ। संत दादू दयाल जी, संत कबीर जी, रविदास जी, मीराबाई जी, सहजो बाई जी, मलुकदास जी और देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा, इन सबको मैं प्रेम पूर्वक वंदन करके आशीर्वाद मांगता हूँ। आपने जो कृपा करी है इसके लिए समस्त समस्त गुरु तत्व का बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो लोग इसे YouTube पर देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दें, जो लोग नहीं भी देख रहे जूम पर भी हैं उनसे निवेदन है एक बार अच्छे से वो लोग उसको भी क्लिक करके उसे लाइक कर दें। नीचे लिंक दिया हुआ है एक बार क्लिक करके YouTube पे जरूर जाएं और एक बार लाइक कर दें, लाइक कर दें इसे अच्छे से। बहुत बहुत शुक्राना, गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करते हैं, गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करते हैं। कोटि कोटि वंदन सभी को, बहुत बहुत शुक्राना। सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, अगले इस संडे को, आने वाले संडे को हमारे श्री सच्चिदानंद धाम में लंटर पढ़ने जा रहा है, उसके लिए एक बार निवेदन है। जिसके मन में अगर कोई भी भाव हो, कोई भी कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कोई भाव है, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो ये QR कोड सामने दिखाया जा रहा है। आप कुछ भी, जो भी आपका भाव हो, डोनेशन जो आप देना चाहें, छोटा सा छोटा अमाउंट भी हमें स्वीकार है। सर आंखों पर बड़े प्यार से, गुरु महाराज जी का काम है, करने तो सारे हैं। एक समय आएगा जब आप रियलाइज कर पाएंगे कि आपका एक एक पैसा जो है गुरु चरणों में रखा गया है, धन्यवाद दे रहे हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आज से मैं विशेष रूप से मैं प्रार्थना करूंगा, जो गुरु महाराज जी ने स्लम एरिया को इम्प्रूव करने के लिए प्रार्थना करे, स्लम एरिया एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो गुरुदेव ने फरमाया है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ आज से ये जो विशेष रूप से कहा जा रहा है ध्यान देंगे सभी लोग। तो मेरे गुरुदेव ने जो स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम चलाया है उसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने अपने एरिया में, जहां भी आप हैं, वो अपने अपने एरिया में, जो लोग भी थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, गरीब कैटेगरी के लोग हैं, उसमें सब तरह के मतलब घर की मेड है या कोई काम वाले भैया, कोई काम वाली बहन है, कोई भी इस टाइप के लोग हैं, सब्जी वाला कोई आता है, दूध वाला कोई आता है, या इसके अलावा इनके साथ झुग्गी झोपड़ियां जो जुड़ी होती हैं, इन लोगों की समस्याओं के बारे में जरूर पूछें इनसे, इनका हाल चाल जरूर लें। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पैसा निकाल के दे देना है, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स जस्ट अबाउट गिविंग देम सम सिग्निफिकेंस। उनको महत्व मिले, उनको आदर मिलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये नेग्लेक्टेड लोग हैं, नेग्लेक्टेड वो है जनरेशन, जिनको इनको विशेष रूप से सम्मान देना। दूसरी बात, इनकी कोई समस्या का अगर हम समाधान दे सकते हैं, सबसे पहली चीज है वो है एजुकेशन। इनको एजुकेशन देने का प्रयास करना है, इनको ये पढ़ पाए, इनके बच्चे पढ़ पाए। अब ये तो सब तो इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने में, हमने बड़ा कोशिश करी है, लेकिन इनके बच्चे पढ़ पाए। और ये लोगों के लेवल पर इनको क्या बोल सकते हैं, इनको ओम श्री परमहंसाय नमः का जाप बोल सकते हैं। अगर इनकी श्रद्धा कहीं और है तो जहां श्रद्धा है इनको उनके हिसाब से बोलो, जय श्री राम बोल लेंगे, जय हनुमान जी बोल लेंगे, जय माता दी कह देंगे, भगवान शिव का जाप कर ले, ओम नमः शिवाय कर ले, यानी जो भी करना चाहें, कुछ तो कुछ आध्यात्मिकता इनके जीवन में जरूर आनी चाहिए। प्रयास कीजिए, आपका थोड़ा सा प्रयास किसी का जीवन बदल सकता है, किसी का जीवन बदलता है। हमने अपने घर की मेड है उसको एक बार बोला श्री ओम श्री परमहंसाय नमः का जाप करते, अभी उसको कुछ 15 दिन हुए हैं,
15 दिन में पूरे घर की स्थिति बदल गई है, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है ये। तो वही उसने बोला कि सारी स्थिति एकदम से चीजें बदल गई हैं। हस्बैंड जो कि शराब पी के पड़ा रहता था, करीब पता नहीं कैसे 3 4 दिन के बाद ही उसने शराब छोड़ दी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतनी इतनी सा, क्योंकि एक शराब ना पीना उसके घर के लिए चमत्कार से कम नहीं है, राइट। तो ऐसे पता नहीं कितनी बातें घटित हुई हैं। एक चीज घट दे, वो हट जाने से बाकी सारी चीजों में भी सुधार होना शुरू होता है। अब गुरु महाराज जी का पवित्र नाम है, जिसके अंदर जाएगा कल्याण होगा ही होगा। तो एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूँ सभी से, हाथ जोड़कर, प्लीज लोगों को स्प्रेड करें, जिस जगह भी उनकी श्रद्धा हो। उनको राम जी का नाम लेना अच्छा लगता है तो राम जी का नाम लें, लेकिन लें, अन्यथा मैं ये भी कह रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना, क्रिश्चियनिटी वालों ने बिल्कुल कब्जा कर रखा है। हमने जहां जहां बात करते हैं, इनको पहले से उन्होंने वो करके, इन्हें नहीं वो पढ़ाएंगे जी। हमने तो हम कहते, एक किसी से पूछा तो कहते हम तो नाम नहीं लेते ये वाला, आप आपके नाम क्यों लें, हम तो वो आए थे, चर्च वाले आए थे, वो बोल गए। अब देख लो क्या हालत हो रही है, कैसे माइग्रेशन करवाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि अपने सनातन को सदैव ऊंचा रखना है, सदैव ऊंचा रखने, धर्मो रक्षति रक्षित है। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म कभी हमारी रक्षा नहीं करेगा, ऐसे भरोसे पर मत बैठ जाना। तो इसलिए अपने सनातन धर्म के लिए हमने सभी ने कदम उठाना है, प्रयास करना है, लोग जुड़े और इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। ये हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास के लोगों की भी ग्रोथ हो। कुछ ऊर्जा तो हम दे ही सकते हैं, ऊर्जा तो दे ही सकते हैं, हीलिंग दें अपने आसपास की किसी झुग्गी झोपड़ी को मेंटली, मतलब की कल्पना करते हुए कि मैं ओम श्री परमहंसाय नमः का जाप जो है वो उस जगह की हीलिंग कर रहा है। हम भी करते हैं सभी, लेकिन आप अपने अपने एरिया के करेंगे तो आपकी चीजें ठीक होंगी। प्रयास करें, छोटे से छोटे तबके के लोगों को महत्व दें, उनको अपनी तरफ से कह दिया करें, उनका हाल चाल पूछ लिया करें, और भाई साहब और बहन जी ठीक हैं आप, सब ठीक ठाक है। इनको महत्व देना बहुत बड़ी जरूरत है, इनके अंदर शनि बैठा हुआ है, सिंपल सी भाषा में समझो तो। और ये जुलाई का महीना शनि का विशेष रूप से बहुत टफ महीना आने वाला है। जून का महीना भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं बीता, लेकिन फिर भी अब जुलाई तो बिल्कुल एकदम पीक पे चढ़ेगा ये। तो एक बार याद रखेंगे अच्छे से, ये हम इनको करवा के, गुरुदेव अगर कोई इशारा करते हैं और हम उनकी बात जब कहते हैं लोगों तक, इसका अर्थ है कि कुछ चीजें समस्या उनको दिख रही है, तो ये शनि को शांत करने का एक उपाय है। अब समझ में आएगा बात, शनि का क्रोध बहुत प्रचंड उस पे लेवल पर है, क्योंकि लोगों ने भी बहुत गड़बड़े करी, जहां जितना जो नेगेटिविटी फैले फैली है उसका एकदम पीक आ रहा है। तो थोड़ा ख्याल करेंगे, सबको अपने अपने लेवल पर सावधान होने की जरूरत है। नेगेटिविटी के बार बार अटैक हो रहे हैं हम सबके ऊपर, आप सबके ऊपर भी। कुछ सुबह उठेंगे एकदम से मूड खराब होगा, रात को विशेष रूप से नेगेटिविटी एकदम जोर मारती है, लेकिन आज के लिए विशेष रूप से गुरुदेव ने फरमाया था कि आज पॉजिटिव एनर्जी का एक फ्लो आना है। सारी दिव्य ऊर्जाओं ने कुछ एनर्जी भेजी है, उस एनर्जी को अपने भीतर अब्जॉर्व करने के लिए आज ये प्रोग्राम किया गया है। तो ये कभी भी आप जब भी भाव करेंगे गुरुदेव की कृपा सदैव पाएंगे। आज ये ऊर्जा विशेष रूप से दी गई है, एक तरीके से ये रेकी अट्यूनमेंट था, अगर आप इसको ऐसे एक्सेप्ट करें तो ऐसे भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है हमें। ओम श्री परमहंसाय नमः की दिव्य ऊर्जा के साथ और सभी देवी दिव्य आत्माओं की ऊर्जाओं के साथ आज हमने इस ऊर्जा को फील किया। जब भी इन्वाइट करना हो ऐसी हाथों को रब रब करेंगे, और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, ये एनर्जी ऐसे ही जनरेट हो जाएगी। ओम श्री परमहंसाय नमः का जाप करते जाइए। ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध है, आप इसको करके अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी भेजिए जिनको तकलीफें हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, बैठे बैठे दुखी हो ही जाएंगे या हॉस्पिटल में जाकर पैसा दे जाएंगे, उससे मच मच बेटर है थोड़ी सी हीलिंग कर लो, थोड़ा ठीक कर लो अपने आप को, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने फील किया होगा, सभी ने इस दिव्यता का अनुभव जरूर किया होगा, थोड़ा या ज्यादा। तो जरूर इसके लिए धन्यवाद करते हैं सभी डिवाइन पावर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिया आपने, हमारी औकात से ज्यादा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते में हमारे संतों के द्वारा दीक्षा होने वाली है, गुरु महाराज जी की कृपा से जो दीक्षा होने वाली है, अगर किसी को गुरु महाराज जी से जुड़ना हो तो आप अपना नाम और नंबर नीचे दे सकते हैं, अगर आपको नाम और नंबर दे दे, अगर आपको गुरुदेव से जुड़ना है, दीक्षा प्राप्त करनी है, तो उनसे आपको गुरुदेव के द्वारा दीक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको कॉल करके नियम समझाए जाएंगे और फिर आप दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने जो भी समय जो भी अपने यहाँ पर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं 5 10 मिनट के लिए हम यहाँ बैठेंगे,
है, कोई क्वेश्चन होंगे तो उसका भी रेजोल्यूशन दिया जाएगा। पहले एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें प्लीज, सभी से मेरा निवेदन है वीडियो लाइक कर दें। लिंक मैंने डाला था, फिर लोग देखो इतने यहाँ पर 600 लोग हैं, लेकिन वहां पर अभी वहां पर बड़ी मुश्किल से, एक बार सभी वीडियो पे जाएं और क्लिक करें, सभी से निवेदन है, हमने सबको छूट दी है, लेकिन थोड़ी सी सेवा सबके लिए बनती है, जाएं जरा क्लिक करें, वहां पे सिर्फ 200-250 लोगों ने वो किया है, प्रयास करें, सभी से निवेदन है, गड़बड़ ना करना करें एक बार, सभी के ये प्रयास रोक के। चैट विंडो में लिंक दिया गया है, एक बार क्लिक करें सभी, हमने आपकी इतनी मानी है, आप भी मान्या करो थोड़ी सी बात। लोग सारे वो नहीं करते, डीट होते, कोई और कर देगा, कोई और कर देगा, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा करें, अगर कहा जा रहा है तो ठीक है, कहा जा रहा है करो, हमने आपकी इतनी सारी चीजें मानी है ना, अपना समय बेशकीमती निकाला है, आपके लिए भी निकाला, अपने लिए भी, जो भी किया है, तो जन कल्याण का ये कार्य ऐसे ही चलता रहे, पूरी टीम लगी पड़ी है, पूरा प्रयास किया जा रहा है आत्मा के कल्याण के लिए, भरपूर एफर्ट डाले जा रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, पीछे नहीं हटना, अभी आगे टाइम टफ आएगा, लेकिन उसके साथ साथ हम भी टफ होते जाएंगे, चीजें और खराब होती जाएंगी, लेकिन आप और ज्यादा अपने आप को चौकन्ना करते जाएं, टफ होते जाएं, क्योंकि चीजें खराब तो हैं, ये तो हमें भी दिख रही हैं, सारी दिव्य आत्माएं बैठकर प्रार्थना कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, एफर्ट डाल रही हैं, ऊपर से खूब एफर्ट डाले जा रहे हैं आत्माओं के कल्याण के लिए, आप हम सहयोगी हैं उनके, आप हम सहयोगी हैं, प्रयास करना है, सभी ने प्रयास करना है, हम जो कर सकते हैं करें, अपनी दिव्य ऊर्जा भरपूर करें, दिन में जब भी टाइम मिले, जहां टाइम मिले, ओम श्री परमहंसाय नमः, कि आप एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, कि मेरी एनर्जी गुरु महाराज जी के द्वारा बनाए गए उस विराट ऊर्जा के पूल में चली जाए, जब भी जरूरत होगी आपके लिए अवेलेबल है, मल्टीप्लाई होके आएगी, ब्याज लग के मिलेगी, इस बात की गारंटी है, समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और केवल हमारे लिए नहीं, दूसरों को भी जरूरत पड़ेगी, मेरे प्रभु ने फरमाया कि अगर जरूरत पड़ेगी हम आपकी एनर्जी का हिस्सा किसी के कल्याण के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए हम बैठे हैं, आपको सब दिया जाएगा, भर भर के दिया जाएगा, तो निश्चिंत रहें, अपने गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करें, ऐसा समर्थ, ऐसे सदगुरु हम मिले, ऐसा सदगुरु हम मिले, या बेपरवाह अबंध परमहंस पूर्ण गुरु रोम रोम रविचंद, उनके अंदर रोम रोम में रवि, सूर्य सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, ऐसे सदगुरु हम जैसे अंधेरे से भरे हुए लोगों के बीच में आकर भी वो हमारे कल्याण के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, और ये स्लम एरिया के लिए जो सोचा है उन्होंने, सोचिए कौन सोचता है, बड़े बड़े गुरुजन बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, कौन सोचता है कि जाओ और स्लम एरिया वालों के लिए प्रोग्राम चलाओ, उनको करो, उनको इम्प्रूवमेंट करो, उनके लिए सुधार करो, उनके आगे झुको, उनको नमस्कार करो, उनको जो तकलीफें उनकी हैं दूर करने का प्रयास करो, कौन सोचता है आज के टाइम में, गुरु महाराज सोच रहे हैं, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जरूर प्रयास करना लोगों के जीवन में इम्प्रूवमेंट लाने का, और अभी मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जिसको भी इस अभियान में शामिल होना हो उसको और गाइडेंस हम देंगे, आप अपना नंबर चाहे तो नीचे दे सकते हैं, अभी मैंने ये ओपन कर दिया है, चैट विंडो में आप अपना नंबर दे सकते हैं, जो इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं, कोई आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए तो आपको यहाँ से आप वो दे सकते हैं, आप अपना नंबर यहाँ पर डाल देंगे और आपको विशेष रूप से कुछ भी होगा तो बताया जाएगा। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्राना, गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी सत्र को यहाँ पर इसको करते हैं, जिसको भी इसमें शामिल होना है, इस मुहिम में शामिल होना है, उनके लिए ये विशेष रूप से कहा जाए, अभी हम यहाँ पर इसको यूट्यूब को हम फिनिश कर रहे हैं, यूट्यूब की का वीडियो अभी हम बंद कर रहे हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है, अगर किसी को कोई भी तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई सवाल है।